you see, you got the feeling of the house. Every member is asking for a thorough inquiry. बिल्कुल, मैंने सब मैंने सदस्यों की बातें सुनी हैं और सेंस ऑफ द हाउस भी मिल रहा है. कई लोगों ने अपनी अपनी शंका प्रकट की है कि जो मामला हुआ बहुत गंभीर मामला है और उस पर जो आंकड़े हैं वो हाउस के सामने पेश किए जाए. मेरे पास वो आंकड़े हैं, मैं पेश करता हूँ. और पर पहले ही मैं आपको बता दूं, दो तीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनको हम लोग पूरी तरीके से जिनका पालन कर रहे हैं. पहली बात तो ये है, चाहे मुख्यमंत्री हो या मान्य सदस्य हो या कोई आम नागरिक हो, अगर कोई भी हवाई जहाज में बैठा है, हमारे एयर स्पेस में है, तो उन सब की सुरक्षा करना हमारा एकदम बहुत ही अहम जिम्मेवारी है और हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं. इस पे प्रतिबद्ध है, किसी को इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए. हम इस पे प्रतिबद्ध है, पहली बात. दूसरी बात जो सब मान्य सदस्यों को और देश की जनता को भी जानना चाहिए कि ये सब जो बातें होती हैं इनके साथ सिर्फ DGCA और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके बड़े एकदम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिर्फ नहीं है, पूरे देश विदेश में ICAO स्टैंडर्ड्स हैं कि जब लो फ्यूल होता है तो उसका क्या मतलब है, प्रायोरिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसको देना चाहिए, क्या लैंडिंग सीक्वेंस होना चाहिए और जमीन पे एयरपोर्ट में क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स होने चाहिए अगर इस टाइप के जहाज की लैंडिंग हो रही है. ये सब जो प्रोसीजर्स थे इनको पूरी तरीके से फॉलो किया गया, ये भी मान्य सदस्यों को जानना चाहिए. तीसरी बात यह है कि आप सब लोगों को इस विषय पे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए. जब भी कोई जहाज उड़ता है, जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन ये है कि जहाज को अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 30 से 40 मिनट तक हावरिंग करने के लिए, घूमने के लिए स्काई में उसके पास फ्यूल होना चाहिए और इसके अतिरिक्त एक जो डाइवर्जन एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचने के लिए भी फ्यूल होना चाहिए. कलकत्ते में डाइवर्जन एयरपोर्ट भुवनेश्वर है, अगर 30-40 मिनट में ये फ्लाइट वहां नहीं लैंड करती तो उसको भुवनेश्वर तक पहुंच जाना चाहिए था. ये सेफ्टी स्टैंडर्ड बना हुआ है. ये तीन जो है सिद्धांत आप लोग जान लीजिए, इस तरीके से हम लोग सब रेगुलेट करते हैं और आप सब लोगों को सुरक्षित रखते हैं. ये फ्रेमवर्क है, रूपरेखा इस तरीके से है. अब क्या हुआ कल रात को मैं आपको बताता हूँ, जो आंकड़े हैं मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ आपको. 7:30 बजे 7:36 PM इंडिगोस फ्लाइट थी 6C342 जो पटना से चली और कलकत्ते पहुँच रही थी. जैसे वो कलकत्ते पहुँची, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है कलकत्ते से, वो टेक ओवर कर लेता है फ्लाइट को और उस समय इंडिगो के पायलट ने कहा कि दे आर लो ऑन फ्यूल. जब उन्होंने कहा कि वी आर लो ऑन फ्यूल, बिल्कुल कहा था, मैं तो कह ही रहा हूँ, स्पष्ट है और ये सब रिकॉर्डेड है, इसमें कोई इसमें किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब चीज रिकॉर्डेड है, सब कुछ ब्लैक बॉक्स पे होता है, सब जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग होती है. तो उन्होंने कहा कि आई एम लो ऑन फ्यूल. जब उन्होंने ये कहा आई एम लो ऑन फ्यूल, तो दो और प्लेन्स थे जिन्होंने कहा कि वी आर ऑल्सो लो ऑन फ्यूल, एयर इंडिया और स्पाइसजेट, उन्होंने भी कहा लो ऑन फ्यूल. और ये सब जानकारी लेते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इन ऑर्डरली सीक्वेंस इन फ्लाइट्स को इन लोगों ने कलकत्ते में लैंड करवा दिया. मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडिगो की फ्लाइट थी दैट लैंडेड विद इन 13 मिनट्स, इट ओनली हावर्ड एट फॉर 13 मिनट्स इन द स्काई एंड इट लैंडेड एट 8:40 PM. डेरेक ब्रायन जी खुद कह रहे थे कि एक घंटे की फ्लाइट है, अगर 7:36 पे चली तो इट शुड हैव लैंडेड बाय 8:36, इट्स लैंडेड एट 8:40 आफ्टर हावरिंग फॉर 13 मिनट्स. एट नो पॉइंट वॉज एनीबडी in any risk or in any danger. You should all know that because all the safety procedures which I have just described were fully and appropriately followed. Everybody was brought to ground safely and we have now, because as Maniya Shukla ji ne kaha hai, bilkul sahi kaha hai, ki prashan ye uthta hai ki jab itna clear standard hai safety ka, jab itna clear standard hai ki aapko 30-40 minute ka aapko hover karne ke liye aapke paas fuel hona chahiye और भुवनेश्वर जाने के लिए डायवर्जन एयरपोर्ट के लिए भी आपके पास फ्यूल होना चाहिए, जब ये इतने सेट स्टैंडर्ड्स हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तीन जहाज थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास लो ऑन फ्यूल है. ये जो प्रश्न है इस पे DGCA की इंक्वायरी हो रही है. आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी जहाज होता है उस पे इंस्ट्रूमेंटेशन इतना बढ़िया होता है कि हमें पता चलता है कि फ्यूल कितना था, जब पटना से जहाज उड़ा कलकत्ते पहुंचा तब कितना फ्यूल था. सिर्फ इंडिगो वाली फ्लाइट नहीं, स्पाइसजेट और एयर इंडिया फ्लाइट, सबकी जो पूरी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उससे सब हम लोगों को ये पता चल जाएगा किसके पास कितना फ्यूल था. अगर कोई भी वायलेशन हुआ है, मैं मान्य सदस्य और उपसभापति जी आपको आश्वासन देता हूं, तो सख्ती से कार्रवाई होगी. कोई भी अगर कोई भी हम लोगों को किसी को चाहे उस पर DGCA के द्वारा उस पर एक्शन लेना पड़े या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी करना पड़े, हम लोग अवश्य करेंगे. क्योंकि जैसे डेरेक ओब्रायन जी ने कहा और आप लोग सब लोग सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं,
पैसेंजर्स की सेफ्टी हम लोगों की नंबर वन प्रायोरिटी है और रहेगी। धन्यवाद। If nobody's life was at stake, why were the emergency services around the runway? Why? Fire engine, ambulance, why? Nobody's life was at stake. हम सब लोग सब लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आउट ऑफ एन अबंडेंस ऑफ कॉशन जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया, जिसमें अगर कोई भी दुर्घटना हो, माइनर इंसिडेंट भी हो, सब लोग सुरक्षित रहें। इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने किया। डेरेक ओब्रायन जी को इससे आश्वासन मिलना चाहिए कि हर नागरिक को, मुख्यमंत्री जी को, सब लोगों को हम लोग इस तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आउट ऑफ एन अबंडेंस ऑफ कॉशन हमने। नाउ द पॉइंट इज, नाउ वन सेकंड, मिस्टर मिनिस्टर, सर, द क्वेश्चन इज दैट सच एन इंसिडेंट इज रिपोर्टेड in all the newspapers, I also read it in newspaper, all members are demanding there should be an inquiry. Sir. Now, why don't you order an inquiry? Yes, sir. DGC has already ordered an inquiry, okay. Sir. And these then very serious matters, as Honorable Member Rajiv Shukla ji said, the question of three planes in the sky all reporting that they're low on fuel is a very serious matter. Yeah, it's very serious. They are three. There's Indigo, there's SpiceJet, there's Air India. We are going to check all the instrumentation. We are doing a full inquiry, and as I said, sir, if there's any action that's required as far as DGC is concerned, or as far as any criminal investigation or any other kind of inquiry is required, we are absolutely determined to do it. He's ready. Yes. Okay. Yes, but yes, before. Yeah. No. Don't make such comments. Yeah. No, don't make such comments. In the public domain, sir, I will be happy to table it in law. Bolo. Sugandha Roy, what is it? The Honorable Minister has already given the verdict before the inquiry is held. No, he said he will conduct inquiry. He has already given the verdict. He has said nothing wrong. No. Everything was fine. He only said norms are there. He has given the verdict before the inquiry. He has said that everything was fine. Anyhow, let us. Anyhow, he has ordered inquiry. Now the inquiry will be a fun. Inquiry will be a fun because the minister has already given the verdict. He didn't give the verdict. Yes. No, he only said the norms are and rules are in perfect position. So maintained. Yeah. All rules perfectly maintained. Yeah, that is all. Then, but what happened in this particular case? No, Sugandha Roy ji, what happened in this particular case? He said he will inquire. He will inquire and you will come back. See, you have to come back with the inquiry report. Okay? Over.